हमारा इरादा है, हमारा जब तक सांस रहेगा नोनवा पंचायत की जनता के साथ हम मर मिटने का काम करूंगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। और नोनवा पंचायत की जनता से मैं अपील करता हूं कि जात और बिरादरी से ऊपर उठ करके सोचे। अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाने और क्षेत्र में चहुमुखी विकास को लेकर एक महिला इस बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। चतरा जिले के पथलगड्डा प्रखंड के नुनगांव पंचायत से ललिता देवी ने मुखिया पद के लिए दावेदारी की है। ललिता देवी चर्चित समाज सेवी व भाजपा नेता कृष्णा साव की धर्मपत्नी है। ललिता देवी अपने समर्थकों के साथ पथलगड्डा प्रखंड कार्यालय पहुँची और वे निर्वाचित पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी के समक्ष अपने नामांकन पर पत्र जमा कराए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नोनगांव पंचायत की सम्मानित जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर उन्हें एक मौका दे, वे विकास की गंगा बहाएंगे और अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को लेकर जाएंगे। अपील कर रही हूं कि मैं उनकी हर समस्याओं को पूरा करूंगी और वो अपना पूरा विश्वास से मुझे अपना बहुमत वोट देकर मुझे जिताने का प्रयास करें। मैं उनकी हर समस्याओं को तहे दिल से पहुँचने तक का प्रयास करूँगा। पिछले 25 वर्षों के एक लंबे अरसों से हम लोग दो बार प्रत्याशी रहे हैं और जनता के समस्या में जो अंतिम व्यक्ति है उसके तक पहुँचने का प्रयास किया हूँ और जो भी छोटे बड़े लोग हैं उनके तक जाने का प्रयास अथक प्रयास करूँगा। और नोनगांव पंचायत की जनता से मैं अपील करता हूँ कि जात और बिरादरी से ऊपर उठ करके सोचे, इसलिए कि इंदिरा गांधी के समय में ही राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि मनुष्य जिस दिन जात और बिरादरी से ऊपर उठ करके सोचना शुरू कर देगा उस दिन गांव और समाज का विकास होना शुरू कर देगा। इन्हीं बिंदुओं के तहत हम चल रहे हैं और हम नोनगांव पंचायत की जनता से कहते हैं कि एक बार हमको मौका दें, अगला जो नहीं किया है उस तरह का हम प्रयास करूंगा और चहुमुखी विकास करने का प्रयास करूंगा, अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास करूंगा। और लंबे आज 25 साल से हम लगभग लगातार प्रयास करते चले आए हैं कि एक बार हमको मौका दें, यही विनती और प्रार्थना है नोनगांव पंचायत की जनता से। आम जनता से अपील है कि आपका जो भी समस्या होगा नोनगांव पंचायत में उसको हम पूरा करने का प्रयास हम करेंगे, हम अथक प्रयास करेंगे उसमें, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा होगा या आवास का मुद्दा होगा। जो लोग छूटे हैं आज तक उनको नहीं मिल पाया है उसके उनके तक पहुंचने का मैं प्रयास करूंगा, यही हमारा